नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। पहाड़िया महिलाओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक ओर साहिबगंज में पहाड़िया महिला रूबिका के हत्याकांड का मामला शांत भी नहीं हुआ है कि एक और पहाड़िया महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला जिला के मिर्जा चौक थाना क्षेत्र के मंडरो बाजार का है, जहां एक पहाड़िया महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना को लेकर पीड़ित पहाड़िया महिला ने मिर्जा चौकी थाना में मामला दर्ज कराया है। घटना को लेकर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के संबंध में पीड़ित के रिश्तेदार ने बताया कि मंडरो बाजार में पीड़िता ने अपना मोबाइल बनने के लिए सद्दाम मोबाइल सेंटर में काफी दिनों पहले ही अपना मोबाइल दिया था। इसी मोबाइल को लेने पीड़ित दुकान गई थी। उसे अकेला पाकर आरोपी उसे सुनसान जगह पर लेकर गया और मोबाइल देने के बहाने से उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसे जान से मार देगा। पीड़िता ने अपने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि लगातार दो दिनों में पहाड़िया जनजाति की महिला के साथ अत्याचार का ये दूसरा मामला है। इसके पहले रूबिका हत्याकांड का मामला सामने आया था। उसमें पहाड़िया रूबिका के शव के लगभग 25 टुकड़े करके फेंक दिया गया था, जिसके आरोप में पुलिस ने उसके ही पति दिलदार अंसारी को हिरासत में लिया है। राज्य भर में लगातार महिलाओं के साथ हो रही इस दरिंदगी से तो ऐसा ही लग रहा है मानो जैसे अपराधियों के बीच में से पुलिस का डर चला गया हो। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए द न्यूज पोस्ट के साथ।